डॉक्टर साहब मेरा मैस्टेक्टमी हुआ है, मेरा पूरा स्तन निकाल दिया है, पर शायद डॉक्टर ने अच्छा काम नहीं किया, मुझे वहाँ पे बार बार पानी भर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है, मैं मुंबई स्थित एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। तो ये एक क्वेरी बहुत सारे पेशेंट की रहती है, मेरे पेशेंट्स भी किसी और डॉक्टर के पास जाके आई एम श्योर ये कहते होंगे कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन शायद अच्छे से नहीं हुआ है, पानी बार बार भर रहा है। तो चलिए आज पोस्ट मैस्टेक्टमी सीरोमा या ऑपरेशन के बाद जब स्कार के नीचे पानी भरता है उसे हम सीरोमा कहते हैं। तो आज हम सीरोमा क्यों होता है या कैसे होता है या उससे हम निजात कैसे पाए उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो कौन सा भी ऑपरेशन हो, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी ऑपरेशन किया जाए तो ऑपरेशन के बाद कुछ फ्लूइड, कुछ सीरोमा बाहर ज़रूर निकलता है, इसीलिए वहाँ पे ड्रेन रखा जाता है ताकि वो सीरोमा, वो फ्लूइड वहाँ पे कलेक्ट ना हो, बाहर आ जाए। अभी अगर हम ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी जिसमें मैस्टेक्टमी होता है उसकी बात करें तो जो ब्रेस्ट का जो सरफेस एरिया रहता है वो बहुत ही बड़ा रहता है, तो ऑपरेशन के बाद वो इतना बड़ा सरफेस एरिया से थोड़ा बहुत तो फ्लूइड आना ही है, वो सीरोमा रहता है। प्लस ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में हम बगल का भी ऑपरेशन करते हैं जहाँ लिम्फ नोड्स भी निकाल देते हैं, कुछ कुछ लिम्फैटिक्स भी हम निकाल देते हैं, तो लिम्फैटिक चैनल्स भी कोई टाइम खुले होते हैं तो फ्लूइड वहाँ से भी आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन के बाद फ्लूइड आना कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, ये नॉर्मल है, ये आने ही वाला है। आपके डॉक्टर को मालूम है कि ये फ्लूइड आने वाला है, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे ड्रेन रखा है। अभी हमने ये देखा है कि जो पेशेंट्स मोटे होते हैं यानी कि जिनका बीएमआई हाई है, जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, जो पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर है, उनमें ये फ्लूइड काफ़ी लंबे समय तक आता है। इन्हीं पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद हाथ में स्वेलिंग आने का भी रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। हमें सिर्फ पेशेंट्स चाहिए इसके लिए, मैं आगे आपको बताऊंगा क्या करना है। तो इनमें ये सब फ्लूइड आने ही वाला है, तो हमारे हाथ में एटलीस्ट ये है कि हम अपना वेट मेंटेन रखें, हम अपनी डायबिटीज़ की गोलियां वक्त पे खाएं, हम अच्छे से एक्सरसाइज करें, हम ब्लड प्रेशर अगर है तो गोलियां अच्छे से खाएं, स्वस्थ खाना पीना ले, ये हमारे हाथ में रहता है। दूसरा है कि ऑपरेशन के बाद जब वो ड्रेन है तो हमें ड्रेन का अच्छे से ध्यान रखना है, ये ड्रेन ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, ये ड्रेन हमें दिन में एक टाइम खाली करना है, मेजरमेंट लेना है, ड्रेन में देखना है हमें कि क्लॉट तो नहीं हो रहा है। अगर ड्रेन ब्लॉक हो जाती है, ड्रेन के आजू बाजू से पानी आने लगता है, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो कि ड्रेन को डीक्लॉट यानी कि जो उसमें कुछ क्लॉट या कुछ फंसा हो उसे बाहर निकाल देते हैं, ड्रेन की फंक्शनिंग फिर से अच्छी हो जाती है। दूसरा, ऐसे कुछ केस रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे बताया गया है कि हम अगर कंप्रेशन ड्रेसिंग यूज़ करें तो शायद सीरोमा जो है जल्दी चले जाता है, बट ये कुछ 100% करेक्ट थियोरी नहीं है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को कंप्रेशन ड्रेसिंग्स तो एडवाइस नहीं करता हूँ, बट हाँ मैं उनको एनकरेज करता हूँ कि ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद ही आप पैडेड ब्रा पहन सकते हैं जो कि जो स्किन और जो चेस्ट वॉल में थोड़ा प्रेशर बना के रखे ताकि वो डेड स्पेस जो है जहाँ पे सीरोमा कलेक्ट होता है वो कम हो जाता है। ये कोई 100% इलाज नहीं है, बट हाँ मेरे एक्सपीरियंस में देखा है मैंने कि इससे सीरोमा कम हो जाता है। एक और पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन केस सीरोमा हुआ है तो फिर भी डरने की बात नहीं है, वो सीरोमा की वजह से अगर आपको दर्द या कुछ है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं जो अच्छे से साफ सफाई करके एक नीडल डाल के वो सीरोमा को बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे मेरे भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें बार बार सीरोमा होता है, तो हफ्ते में एक या दो बार मैं उनको बुला के ओपीडी में ही वो सीरोमा इवैक्यूएट करता हूँ एंड उन्हें एनकरेज करता हूँ कि वो पैडेड ब्रास पहने, ये 2 या 3 महीने में अपने आप ही ये सीरोमा आना बंद हो जाता है।
ऐसा रेयरली मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 3 पेशेंट्स में कुछ 6 महीने के बाद भी सीरोमा बंद नहीं हुआ था, तो मुझे एक सेकेंड ऑपरेशन करना पड़ा और एक दूसरा ड्रेन रखना पड़ा जिसके बाद सीरोमा आना बंद हुआ। तो सीरोमा आना कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, सीरोमा आ ही सकता है। आपका ऑपरेशन किसने भी किया हो, मैंने भी किया हो, तो फिर भी आ ही सकता है। तो आप डरिए मत, बट अपने ऑपरेटिंग सर्जन को ज़रूर मिलिए। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं या मेरी टीम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू।